अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विन न्यूज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब एक घरों में खैरियत से होंगे। आज आप सबकी भरपूर फरमाइश में बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन पाउडर मिल से। अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे और तवज्जो से नोट डाउन करेंगे तो आपके गुलाब जामुन नहायत ही मज़ेदार और सॉफ्ट स्पंजी बनेंगे। तो आइए हम लोग अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्टेप पे हम करेंगे, हम अपना शीरा तैयार करेंगे। एक कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ पैन में। इसके अंदर हम 1.25 कप चीनी डाल देंगे। अब इसके अंदर जो है इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून डाल देंगे पिसी हुई, और इसको हम चीनी को घुलने देंगे। 1/2 टीस्पून पर हम नींबू का रस भी डाल देंगे ताकि जो इसमें चीनी कुछ चिपकने लगती है साइडों के, क्रिस्टल लाइज होने लगती है ताकि वो ना हो। और इसके अंदर थोड़ा सा हम पिंच ऑफ जर्दे का रंग डाल देंगे जिससे हमारे शीरे का कलर अच्छा होता। अगर आपको नहीं पसंद तो मत डालिएगा, स्किप कर सकते हैं। मैंने हल्की चुटकी भर डाला है ताकि हमारे शीरे का कलर अच्छा हो जाए। हम चमचा चलाते रहेंगे ताकि हमारी चीनी घुल जाए। इतने हमारा शीरा रेडी हो रहा है। हमें एक तावे चाशनी नहीं बनानी है, खाली गाढ़ी करना है। वहाँ तो चिपचिपाहट है, चीनी घुल जाए, आप चेक करें तुम्हारा वो शीरा रेडी होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हाँ, अपने नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। कढ़ाई में मैंने जो है ऑयल गर्म करके रख दिया है। जितने यहाँ पे गुलाब जामुन रेडी करते हैं, हमारा ऑयल भी गर्म हो जाए और चाशनी रेडी हो जाए। अब हम अपने तीसरे स्टेप पे आते हैं। स्टेप स्टार्ट करते हैं। मैंने पाउडर मिल्क में लिया है नीडो दूध लिया है 1.5 कप। मैंने पाउडर मिल्क लिया पसंद है। इसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून पिसी हुई इलायची, छोटी इलायची और मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून। अब मैं इसके अंदर घी डाल रही हूँ। घी को पहले मैंने मेल्ट किया है, फिर उसको मैंने 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया है ताकि ये बटर फॉर्म में आ जाए। अब ये घी जो है हमारा, इसको मैं 4 टेबल स्पून लेवल इसमें डालूंगी। 1 आपके सामने देखिए, चार टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाला है। अब इसको मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से। हमें इसको एकदम मलना नहीं है, मसलना नहीं है, हल्के हाथों से मिक्स करना है। अगर हम ज़्यादा इसको मलेंगे, मिक्स करेंगे, तो हमारे जो है गुलाब जामुन वो हार्ड हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, सॉफ्ट नहीं बनेंगे। इसके अंदर मैं 1/2 कप मैदा ये डालूंगी और 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर, बिल्कुल लेवल्ड है, बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है, ये डाल देंगे। अगर हम बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारे गजन फट जाएंगे, इसलिए बेकिंग पाउडर हमें इस्तेमाल करना है। इसको साथ में मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। देखिए हमारा अच्छा मिक्स हो गया ये। और इसके अंदर एक अंडा रूम टेम्परेचर पे हम इसमें डाल देंगे और इसको डाल के भी मिक्स कर लेंगे। हमारा मिक्स हो गया है। अब हम स्पून का काम खत्म, अपने हाथ से स्टार्ट करते हैं। अब इसके अंदर मैंने 1/2 कप नॉर्मल दूध लिया है रूम टेम्परेचर पे, और इसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे और उसको मिलाएंगे हल्के हाथों से, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से। देखिए हमारा बैटर ये रेडी हो गया है, थोड़ा चिपचिपा सा है, देखिए ऐसे ही चाहिए हमें, हमें कोई मसाला नहीं है। देखिए मेरे पास 2 एंड हाफ टेबल स्पून करीब मेरा दूध इस्तेमाल में आया है, बच गया। अब इसको इस टाइम पर हम इसको देखिए आपके सामने है तो 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर इसकी हम गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करें। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए,
चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये आप लोग का फीडबैक ही होता है जो हमें और अच्छा काम करने की तरफ मोटिवेट करता है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं। किसी पॉलिमेंट हो गए, हमने इसको निकाल लिया और बैटर को थोड़ा सा करेंगे। मिक्स करेंगे, गूंदेंगे हल्का सा। जाम करने के बाद हमने क्यों किया, अब इसमें से हम एक पेड़ बराबर लेंगे, उसको यू करके दबाएंगे तेजी से और फिर गोल पेड़ा बनाएंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि इस पर क्रैक्स नहीं आने चाहिए और बिल्कुल चिकनी बॉल बननी चाहिए। साइड में रखेंगे, इसी तरीके से एक और बनाएंगे। हमने ये बैटर लिया, इसको तेज की वजह से दबाया, फिर गोल पेड़ा बनाने की शक्ल दी और फिर कुछ चिकना कर दिया। ये हमारी बॉल रेडी हो गई है, इसी तरीके से हम सारी बॉलें रेडी कर लेंगे। देखिए हमारी सारी बॉलें रेडी हो गई हैं, अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा ऑयल गर्म है, आप देख रहे हैं कि बबल्स आने शुरू हो गए, इसका मतलब है हमारा ऑयल गर्म रेडी है। हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देंगे, इसका बिल्कुल स्लो फ्लेम, बिल्कुल दम वाला चूल्हा वो कर देंगे और एक एक करके अपने बॉल्स डाल देंगे। और ये बॉलें डालने के बाद हम जो है इसको बिल्कुल चमचा नहीं चलाएंगे थोड़ी देर तक, जब तक ये खुद ही ऊपर सदा पे ना आ जाए। देखिए हमारे फ्राई हो गया, हम इसको कढ़ाई को हल्का सा घुमा लेंगे ताकि ये हमारी जो बॉलें इक्वली कलर में आए, एक जैसा कलर आए इसका। चमचा हम साइडों पे चलाएंगे, बॉल्स के ऊपर लगने नहीं देंगे फिर गुलाब जामुनों को, ताकि हमारा चलाने का मकसद ये है कि हमारे गुलाब जामुन का कलर सेम आए, अगर हम टच करेंगे गुलाब जामुन टूट जाएंगे। देखिए हमारे गुलाब जामुन का कलर गोल्डन शुरू हो गया है। हमें आपके इस पर डिपेंड करता है कि आपको कलर कैसा रखना है, लाइट गोल्डन, डार्क या काले गुलाब जामुन जो बनती है वो मैं थोड़ी डार्क गोल्डन करूँगी, आप पे डिपेंड है। बस थोड़ा वेट करना पड़ेगा, चूल्हा बिल्कुल स्लो रखना है और इनको गोल्डन होने का इंतज़ार करना है। अगर हम तेज़ फ्लेम पे करेंगे तो ये अंदर से घुटली बन जाएगी और सख्त हो जाएंगी, इसलिए बिल्कुल स्लो आंच पे इसको फ्राई कीजिए। देखिए हमारी गुलाब जामुन रेडी हो गई है, ब्राउन गोल्डन हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे और शीरे में डालेंगे। शीरा हमारा गर्म ही होना चाहिए, उसका ढक्कन ढक देंगे 15 से 20 मिनट तक, इसको हम डीप रखेंगे ताकि इसके अंदर शीरा भर जाए। इसी तरह हम सारे गुलाब जामुन फ्राई करेंगे। इसको डिश आउट करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा हमें डिश आउट कर दिया, इसके ऊपर हम थोड़े थोड़े बादाम अपने पिस्ते डाल देंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत देखिए कि सॉफ्ट आपका अंदाज़ा हो रहा होगा अपने फिंगर लगाने से, ये देखिए कितने सॉफ्ट है, ये देखिए। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो और उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।